फैसलाबाद फैसलाबाद लाहौर तो लिखे नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अब हम देख रहे होंगे पीछे स्टेशन, और इस वक्त हम जा रहे हैं जी लाहौर, और लाहौर जा रहे हैं जी दाता हजूर सलाम पेश करने। मेरे साथ मौजूद है जी मेरे भाई छोटे, क्या नाम है भाई आपको? कलीमुल्ला भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे बड़े भाई आमिर अली साहब भी मौजूद हैं, वो टिकट ले रहे हैं, और हम जाके सीट रोकेंगे सबसे पहले। तो इंशाल्लाह आज बड़ा ही अच्छा सफ़र भी गुजरेगा, और फिर इंशाल्लाह शाम को हम दाता हजूर भी मौजूद होंगे इंशाल्लाह, और स्पेशल हाजिरी की नीयत है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब सोच रहे होंगे कि हम स्टेशन से बिल्कुल प्लेटफॉर्म से इतना आगे आ गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो गाड़ी जा रही है वो वाली हमारा जी। हाँ ये वाली गाड़ी आगे से जाके बैक होती है, तो अभी हम जा रहे हैं जी, गाड़ी पीछे खड़ी होती है, दोबारा वो इस प्लेटफॉर्म पे लगेगी, ठीक है। लेकिन हमने अब आगे जाना है, और आगे जाके वहाँ पे सीट रोक लेनी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, और उसके बाद जब हम सांगला पहुँचेंगे, फरुखाबाद, शेखपुरा, तो रश पड़ता ही चला जाएगा। बट अब हम निकल पड़े हैं, और इंशाल्लाह तकरीबन 7:30 बजे हम लाहौर पहुँचेंगे, उसके बाद 8 बजे करीब ईशा का टाइम इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे दाता हजूर। फिर वहां से हम इंशाल्लाह आपको वहां की भी वीडियो वगैरह दिखाएंगे। बहुत ज्यादा ट्रेन का सफर तो वैसे बड़ा ज्यादा मजेदार होता है, क्यों क्लीम? बिल्कुल जी, बिल्कुल मजा आता है कि नहीं? तो फाइनली हम आ गए हैं काफी आगे, और काफी पीछे रह गया है प्लेटफॉर्म, और हम इस साइड पे जाएंगे, पीछे गाड़ियां नजर आ रही होंगी, इस साइड पे जाएंगे हम, वहां पे जाके सीट रोकते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे, हमारे साथ रहिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ये वाली गाड़ी जाएगी, ये पूरी गाड़ी बैग होके वो उसमें ठुकने लगी है, ठक करके लगेगी। ठक की आवाज आनी चाहिए यार क्लीम, ठक की आवाज आनी चाहिए, पहुंच गई यार ये तो, लगने लगी बस। ये जी कराची की लगी हुई है, और ये फैसलाबाद, फैसलाबाद फैसलाबाद लाहौर तो लिखे नहीं। और क्या करते लोकल तो नहीं चलती ये ना, यहाँ से सिर्फ घंटा घर ले जाए हमें, घंटा घर तो ये रह इधर तो प्लेटफार्म। वो चाचा जी से पूछ के हैं, सफाई हो रही है लगता है, यही है क्योंकि वो देंगे सफाई कर रहे हैं इधर ही होगी। समझ गई प्यारी, आगे देख यार सीटें, वो इधर सही है, इधर लग रहा कराची की है, क्या ख्याल है? व्हाट इज योर थिंकिंग चाचू? कराची जानी है, फैसलाबाद जानी है, ओ लाहौर, लाहौर जानी है, लाहौर जानी है, लाहौर की है यार। ओ इधर ही बैठ जाओ यहां पे कहीं, क्या ख्याल है? देख लो ये मुनासिब ही था अभी। फाइनली जी हमने डिसाइड किया कि इस डिब्बे में हम जाएंगे, और ये पीछे से आपको खाली, बिल्कुल खाली नजर आ रहा है, हमने ये बैग रख दिया है, तो यानी कि ये सीट हमारी हो चुकी है। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, पूरी ट्रेन खाली है, और अगर ये प्लेटफॉर्म पे लगती है और वहाँ से हम बैठते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बैठना। होगा कि सुकून माहौल से जाएंगे, लाइक सीटें मिल जाएंगी, अगर वहाँ से बैठते तो हमें सीट ना मिलती। और मेरे जो बड़े भाई हैं उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से लात का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उनके लिए सीट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो अक्षल भाई की वजह से हमने यहाँ पर आए हैं। अगर हम अकेले होते तो हम प्लेटफॉर्म से बैठ जाते, कोई बात नहीं, खड़े होकर चले जाते तो कोई इशू नहीं था। रास्ते में इंशाल्लाह हम आपको सारा माहौल दिखाएंगे, और कितना रश होता है, कितना ज़्यादा इधर फरुखाबाद, शेखपुरा, और एक और स्टेशन कौन सा रश हो गया, तो वहाँ पे इंशाल्लाह जैसे जाते रहेंगे आपको रश दिखाते रहेंगे। फैन भी वो चेक करें जो खुलेगा उन वो सीटों में हमने बैठना है, या 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 ए दो और चेक कर, क्योंकि चार सीटें हैं अपनी, बातों की मर्दाना ताकत है, ये बातों से नहीं बनती, ये तो ऑलरेडी खुली हुई थी ना, उसमें जान लगी है। भाई की कॉल है, ये कहता है भाई बहुत रश है प्लेटफॉर्म, तो भाई बी वेरी केयरफुल, और अपनी पॉकेट्स की भी ज़रा ख्याल रखेगा, ये ना हो कि जेब कतरों से दूर रहें, तो इसलिए आप दूसरी जगह बैठना, मैंने दूसरी जगह बैठ रहा और कोई चीज़ बहुत ज्यादा रश। ये
सत्तराबाद आ गए जी, इतना रश है, प्लेटफॉर्म उसी जगह है, लोग उधर कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म दूसरी जगह पे है ये, इसलिए राइट साइड पर बहुत ज़्यादा पर क्राउड बहुत ज़्यादा। गाड़ी फुल है, हाँ जी आ गया। बहुत ही थका देने सफर के बाद हम पहुंच गए स्टेशन और अब हम आउट होने लगे हैं। ये जी अल्लाह हाफिज़ होटल स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हमने रूम लेने क्योंकि हमने कल जाना है फैसलाबाद। तो यहाँ अभी फिर हम दादा साहब जाएंगे फ्रेश होके, फिर यहाँ से हम दोबारा कल अब रूम में आएंगे फ्रेश होंगे, फिर कल इंशाल्लाह हमारी वापसी होगी। ये आगे के जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत बड़ा होटल है जी। फाइनली हम स्टेशन से सीधे आ गए, अब यहाँ पे अपने रूम में और यहाँ पे होटल है बिल्कुल स्टेशन के नज़दीक, वहाँ पे हमने स्टे किया, खाना शाना खाया, फ्रेश हुए और अब इंशाल्लाह हमारी दाता हजूर हाजिरी है, वहाँ पर निकलने लगे बस। फाइनली जी हम भाई रोड पर इस वक्त मौजूद हैं और ये भाई और इमरान भाई आगे जा रहे हैं, मैं और कलीम पीछे हैं, और दो दफ़ा चेकिंग के बाद फिर हम ये आगे को बैठे हैं। हले और भी अगे इमरान भाई, हले कि अगे नहीं इधर नहीं जाना वहाँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो दूध वाले वो बहुत ज़्यादा दूध लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लंगर होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लंगर होता है, लंगर की लाइनें, दूध की लाइनें, शरबत की लाइनें, दूध पानी की लाइनें बहुत ज़्यादा होती हैं, और आपको घोड़े टांगे वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। मज़दा जिस तरह वो खापने खड़ा हुआ मज़दा है यहाँ पे जो ये दूध वगैरह लेके आते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें पूरा ये पीने के लिए पानी की भी प्लांट शांट लगे हुए हैं, जिधर नज़र घुमा लें रश ही रश है। दूध की स्पीड लगी हुई है और यहाँ पे लाइन लगी हुई है, मगर दूध बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में होता है, बहुत ही ज़्यादा दूध होता है, दूध की दूध स्पील दूध। ठीक है जाने का नहीं, कटरा नहीं ना पीछे लाता, हाँ देखें डिस्मैन आपको टांगे बहुत ज़्यादा होते हैं टांगे। ये सारे यहाँ पे दोस्त ही खड़े हैं, आप ये देखें सारे टांगे बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे वैसे सही इन्हों आना नहीं चाहिए इतने इन्नी दूर तक, बाहरों बाहर ही रखना चाहिए कम इन्हों का, इन्नी क्राउड के बच्चे घोड़े लैके। ये बहुत बड़ा इम्तहान है जी हमारे लिए, इंटर होना अंदर इंटर होना बहुत बड़ा इम्तहान है। अभी हम 25 मिनट हो गए हमें बाहर घूमने, फाइनल लेना जी यहाँ से हम इंटर होके अंदर जाएंगे सामने। फाइनल जी बहुत मेहनत के बाद हम इंटर हो गए अंदर और ये अंदर से है। Thank you.
सुभान अल्लाह। अब थोड़ी देर बाद ही हमने इंशाल्लाह वजू करना, फिर हमने दरबार शरीफ में हाजिरी देनी है। चलो आस्था से जाना। पानी का पैसा उदास है, प्यास बहुत लगी हुई है। के पास पहुंच गए। जी फाइनली हम अपने रूम में फिर आ गए, और कल रात हम बहुत ज़्यादा लेट आए। उसकी वजह यह थी कि बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा और बहुत ज़्यादा रश भी था, तो जितना मुश्किल अंदर जाना था उतना ही मुश्किल बाहर आना भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाज़िरी पेश की और कुछ टाइम गुजारा, उसके बाद फिर हम बाहर आ गए। बहरहाल जी अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को, और बल्कि जो जो हाज़रीन वहाँ पर मौजूद थे आए, अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। तो आज हमारा लाहौर में आज लास्ट डे है, और आज इंशाल्लाह हमारी वापसी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक जाते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में रखें, खुश रहें। खुश हाफिज़ पाकिस्तान, जिंदाबाद।